हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो यार आज बात करेंगे जेन ऑस्टिन के प्राइड एंड प्रेजुडाइस के बारे में। और अगर मैं तुम्हें इसकी पूरी स्टोरी बताने लग गया तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा, तो यार बिल्कुल प्लॉट की बात करेंगे। तो हमारे पास चार मेन कैरेक्टर्स हैं, जेन और एलिजाबेथ। ये दोनों बहनें हैं, जेन बड़ी है, एलिजाबेथ छोटी है। टोटली ये लोग फाइव सिस्टर्स हैं। और दूसरी तरफ हैं हमारे पास मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी। मिस्टर बिंगले थोड़े से फ्रेंडली नेचर के हैं, मिस्टर डार्सी थोड़े से एरोगेंट और एटीट्यूड वाले हैं। दोनों काफ़ी हैंडसम और अमीर हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक डांस पार्टी से, जहाँ पर मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ के साथ डांस करने से मना कर देते हैं, और इसलिए एलिजाबेथ उनको डिसलाइक करना शुरू कर देती है। एंड लेटर ऑन मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हर फैमिली एंड टाउन मिस्टर डार्सी को डिसलाइक करते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी नावल है और काफ़ी मस्ती मजाक वाली भी नावल है। कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिससे एलिजाबेथ मिस्टर डार्सी को डिसलाइक करना बढ़ा देती है, लेकिन यार कुछ एडवेंचर्स और कुछ इंसिडेंट्स के बाद जब मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ का काफ़ी ख्याल रखने लग जाते हैं तो वो उन्हें पसंद आने लग जाते हैं। अब स्टोरी में बहुत सारे इंसिडेंट्स और एडवेंचर्स हैं तो हम लोग सबकी बात नहीं कर सकते, बस स्टोरी में बहुत सारी कन्फ्यूजन भरी हुई है, काफ़ी सारे फनी मोमेंट्स हैं और काफ़ी सारे लविंग मोमेंट्स भी हैं। तो एट द लास्ट मिस्टर बिंगले जेन को प्रपोज करने की तैयारी कर देते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ को। तो एंड में मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ एक वॉक पे जाते हैं और तब वो उसे बताते हैं कि यार मेरी फीलिंग्स तब से वैसी की वैसी हैं तुम्हारे लिए, तो क्या तुम मुझे शादी करोगी। तो अल्टीमेटली वो हाँ कर देती है। और दूसरी तरफ मिस्टर बिंगले भी जेन को प्रपोज कर देते हैं और वो भी उन्हें हाँ कर देती है, क्योंकि यार वो तो पहले से ही क्लियर थे। वैसे इस नॉवल पे एक मूवी बनी हुई है और जैसे जैसे मैं इसकी स्टोरी पढ़ रहा था तब मेरे को पता चला कि हाँ मैंने मूवी देखी हुई है, पूरी नहीं लेकिन हाँ देखी हुई है। तो अभी नहीं लेकिन पेपर के बाद मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि हाँ अगर तुम्हारा मूड थोड़ा अच्छा हो तो ये मूवी ज़रूर देखना यार। काफ़ी अजीब अजीब और मस्ती वाली चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि मिस्टर डार्सी को एलिजाबेथ का ज़्यादा हंसना भी पसंद नहीं आ रहा था, उन्हें लग रहा था कि यार ये कैसी लड़की है इतना हंसती है। तो ठीक है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस के बारे में इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू लेटर एलिगेटर।